मीटिंग का एक एजेंडा जो पास हुआ, जो आज पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है, कि जब भी निकाह फॉर्म फिल किया जाएगा, लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन हलफ देंगे खातमुन नबीयीन के ऊपर अपना। उस इमरान खान के ऊपर तो मजहबी इंतहा पसंदी की बात करते हो। ये जितने इंटरनेशनल और नेशनल माफियाज हैं, ये अंदरूनी बैरूनी ताकतें हैं जो इमरान खान का सियासी हवाले से मुकाबला नहीं कर सकी, जमहूरी हवाले से मुकाबला नहीं कर सकी। उन्होंने अब ये फैसला किया कि इमरान खान को रस्ते से हटाया जाए, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये आज एक दफा फिर साबित हो गया है। अल्लाह पाक ने इमरान खान साहब को जिंदगी दी है, वो किसी मकसद के लिए दी है, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए दी है, और वो ऑब्जेक्टिव यही है कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को और 22 करोड़ आवाम को हकीकी आजादी दिलानी है। गोरे अंग्रेजों से आजादी मिली थी, अब काले अंग्रेजों से आजादी दिलवानी है, उन माफिया से आजादी दिलानी है जो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की जमहूरी सिस्टम को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अपने पांव की ठोकर पे जो है वो रखने के आदि हैं। उनके खिलाफ इमरान खान निकले हैं और इंशाल्लाह 22 करोड़ आवाम, पीटीआई का कारकुन, पीटीआई का हर लेवल का अहदेदार, वो बिल्कुल डटा हुआ है। किसी किस्म का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई रिलक्टेंट नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई शाइनेस नहीं है। सारे के सारे सीना तान के अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। जैसे ही इमरान खान साहब ने यहां से तंदुरुस्त होना है, क्योंकि ये वो मर्द कलंदर है जिसका नारा है कि किया मैंने उस खाकदा से किनारा जहां रिस्क का नाम है आबोदाना, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है बाज की जिंदगी जहादाना, छपटना पलटना पलट कर छपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इमरान खान पलट के फिर इंशाल्लाह झपटेंगे, और वो झपटने का ऐलान इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च होगा और पाकिस्तान की आवाम उनके साथ होगी। आप लोगों की हुकूमत है, वजीर आला भी आपके नॉमिनेट किए हुए हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, क्या वजह है कि ये दो दिन गुजर गए इस वाके को, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा? पुलिस भी अगर आप लोगों की पंजाब के अंदर भी आपके साथ नहीं है तो फिर कहाँ होगी? जबकि वफाक में कल जो एहतजाज किया गया है पीटीए की जो वहाँ पे क्यादत है उनके खिलाफ मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज हो गए। सारे इकट्ठे पूछ लो जरा, फिर एक ही दफा जवाब देंगे। चौहान साहब, ये जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, हर रोज एहतजाज हो रहा है, आज भी कॉल दी गई है, ये कब तक जारी रहेगा इसी तरह से? क्या FIR होने तक जारी रहेगा या पहले ही खत्म कर दिया जाएगा? अच्छा जी, सबसे पहली चीज ये है कि बेगम सफदर का जो मीडिया सेल है, वो बेगम सफदर के जो हमेशा ऐसे मौके के ऊपर जिल्लत रसवाई और जगहसाई बड़े जोक व शोक से कमाती है, अरशद शरीफ साहब की शहादत हो उसके ऊपर भी रसवाई और जगहसाई और सियासी बेहयाई उन्होंने अपने खाते में लाई, और अब भी इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, कल असम्बली के अंदर बकायदा अपने मेंबर भेजे मुजम्मती करारदाद के खिलाफ ना कहने के लिए। मैं कहता हूं लख दी लानत है जनाब बेगम सफदर अवान और इस आले शरीफ और इस नून लीग के ऊपर। कलसूम नवाज साहिबा फोत हुई थी, फयाजुल हसन चौहान भी उस जनाजे पे मौजूद था और पीटीआई की सारी क्यादत जो है वो जनाजे पे मौजूद थी, लेकिन इन्होंने हमेशा घटियापन का जनाब रवैया दिखाया जिसकी वजह से पूरी आवाम की तरफ से छितर लितर वो जाना खाने को इनको मिलते हैं। कल भी इन्होंने असम्बली के अंदर वो जिल्लत और रसवाई कमाई। अब वो नून लीग का मीडिया सेल और बेगम सफदर का मीडिया सेल जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको प्रोपोगेट कर रहा है कि चौधरी परवेज लाई साहब और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफ हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, इब्तदाई रपट लिखी है, FIR जब तक ईच एंड एवरीथिंग इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाती ताकि मुकदमा खराब ना हो। आप हैपहेजर्डली हाज पाच अगर आप तरीके से कर लेते हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा का हुआ था, करवाया जिसने था वो भी सारों को पता है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन वो फौरन जनाब FIR कटवा के जनाब वो सारे का सारा केस जो है वो खराब कर दिया गया, डिफ्यूज कर दिया गया। तो इस वजह से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इंशाल्लाह जो है वो FIR कटेगी। पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, और चौधरी परवेज लाई साहब ने भी ये कहा है कि मैं इमरान खान को अपना लीडर मानता हूँ और इमरान खान साहब के साथ वो भी सीना तान के खड़े हैं।